ये एक अच्छी सर्जरी है लेकिन उसमें थोड़े रिस्क हैं। इम्प्लांट्स के जगह पे उतना ही साइज और इतनी उतनी वॉल्यूम की हम फैट डाल सकते हैं आपके बॉडी से लेके, तो आपको बहुत केयर लेना पड़ता है कि वो साफ रहे, जहाँ पे हमने कट लिया है बटक इम्प्लांट्स डालने के लिए वो कभी वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। हमने कई सेलिब्रिटीज़ के बारे में सुना है कि कैसे अपने डिज़ायरेबल बॉडी को गेन करने के लिए वो बहुत ही डिफरेंट सर्जरीज कराते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बट इम्प्लांट्स के बारे में, कैसे ये सर्जरी होती है, क्या इस सर्जरी का प्रोसीजर पेनफुल होता है, जानेंगे हम एक्सपर्ट से। नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद वाघ हूँ। मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और PD हिंदुजा खार हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी एक्सपीरियंस 29 ईयर्स 29 साल का मुझे तजुर्बा है और ये फील्ड के सब एस्थेटिक सर्जरीज पूरा स्पेक्ट्रम मैं कवर करता हूँ। पिछले 5 से 10 साल में हमारे पास पेशेंट ऐसे आने लगे हैं इंडिया से और इंडिया के बाहर से, जिनकी डिमांड होती है बटक इम्प्लांट्स की। बटक इम्प्लांट्स मतलब आपकी बटक्स के यहाँ पे उसकी शेप और साइज बढ़ाने के लिए इम्प्लांट डाले जाते हैं। ये एक अच्छी सर्जरी है लेकिन उसमें थोड़े रिस्क हैं। बटक इम्प्लांट्स डाले जाते हैं आपके मसल के ऊपर और बटक्स की साइज बड़ी की जाती है, लेकिन सर्जरी के बाद में पेशेंट को कम से कम 3 हफ्ते से 1 महीने उल्टा सोना पड़ता है। उसके ऊपर आप बैठ नहीं सकती हो क्योंकि इम्प्लांट्स हिल सकते हैं। दूसरी बात ऐसे कि आपकी जो टॉयलेट की जगह है वो बटक इम्प्लांट्स की जगह से बहुत नज़दीक रहती है, तो आपको बहुत केयर लेना पड़ता है कि वो साफ रहे, जहाँ पे हमने कट लिया है बटक इम्प्लांट्स डालने के लिए वो कभी वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। बट अगर 3 हफ्ते तक अच्छी तरह से केयर ली जा सकती है तो ये परमानेंट शेप बटक्स का चेंज हो सकता है। बटक इम्प्लांट्स के अलावा एक दूसरी एक टेक्निक है जहाँ पे आपकी खुद की फैट हम ले सकते हैं। इम्प्लांट्स के जगह पे उतना ही साइज और इतनी उतनी वॉल्यूम की हम फैट डाल सकते हैं आपके बॉडी से लेके। ये इसका एडवांटेज ऐसा है कि ये आपके खुद का फैट है, ये इम्प्लांट्स नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी नहीं है। और अगर हमको उतना फैट मिल जाता है जितना इम्प्लांट्स की साइज का साइज और इसकी वॉल्यूम का, तो ये बटक फैट आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहता है।